हेलो गाइस, आई एम रजा चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल रजा अनप्लग्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब, तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए, कुकिंग वीडियोस देखने के लिए, मार्केट ब्लॉग्स देखने के लिए एंड मच मोर। और अभी यार टाइम हो रहा है 11:20 हो रही है जिस टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ब्लॉग मैंने अभी एंड करा है और भाई इस टाइम पे ना मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा है ऑरेंज जूस पीने का। आई डोंट नो व्हाई मेरा मन कैसा है, मुझे अभी चाहिए और अभी। लिटरली हमारे घर के सामने शेक की दुकान है, जूस की दुकान है, वो बंद होने वाली है, होपफुली मिल जाए। मैंने अपने भाई से बोला तो है कि मिल जानी चाहिए भाई, मैंने पूछ के ऐसा बना देगा कि भाई वो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई, एक सेकंड मुझे भी दिखा, 11:38। और लिटरली रात के 11:30 मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा था जूस पीने का और मैंने घर में और देखा, इसने ऊपर से मेरे को बोला कि घर में भाई ऑरेंज जूस नहीं थे और मेरा मन था कि मुझे ऑरेंज जूस ही पीना, ऑरेंज जूस ही पीना। हमारे घर के सामने वैसे जूस की दुकान है। अब मैंने देखा 11:30 मैंने देखा उसकी दुकान पे भाई, उसने पूरी दुकान बढ़ा दी, कुछ सामान नहीं। मैंने इससे बोला है, बाहर खड़ा था, मैंने कहा जाके फटाफट पूछ के गुफरान भैया से, उसका नाम गुफरान है, मैंने कहा शेक बना दोगे क्या, रजा भैया कह रहे हैं। तो उसने कहा इस टाइम कि चलो बना देंगे, शेक नहीं वैसे जूस है, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस ही पीने का मन था, शेक तो गलती से निकल गया। तो भाई उसने फिर फटाफट जूस बनाया और अब हम दोनों पी रहे हैं। लगे हाथ इसने मैं बोला तो कि मेरे लिए भी लगवा दो भाई। लिटरली इतना ज्यादा मतलब नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है एकदम से। अब मन हुआ, मन को मारना चाहिए, रात के 11:30 किस्मत में था इसलिए मिल गया। बहुत टेस्टी बताया, स्वाद ही अलग आ रहा है भाई पीने में। तो अभी इसको पी लेते हैं और देख रहे मैंने किस तरह से ब्लॉग स्टार्ट करा है भाई। यार आई एम सो लकी, लिटरली मेरा इतना ज्यादा मन था जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। और मुझे अभी मैंने मैंगो जूस पी, मैंगो कह रहा हूँ, ऑरेंज जूस पी लिया है और अब मेरा मन बिल्कुल तृप्त हो चुका है, आत्मा मेरी तृप्त हो चुकी है। इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे भाई पी के, मतलब मजा आ गया पी के। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, अब मुझे चैन की नींद आएगी। वरना अगर मैं ऑरेंज जूस नहीं पीता ना, मुझे पूरी रात मेरी बेचैन रहती कि मुझे पूरी रात ऐसे ही रहता ऑरेंज जूस नहीं मिला यार, ऑरेंज जूस पीना था, ऑरेंज जूस नहीं मिला, और अब मिल गया ना, अब मुझे आराम से नींद आएगी। तो मैं चला सोने, मिलते हैं आपसे सुबह में। राइट नाउ इट्स 4:30 एंड आई एम हैविंग माई सहरी। लाइक इतना टाइम हो गया मैंने सहरी में कुछ व्लॉग ही नहीं करा। लाइक क्या होता है यार, सहरी में ना हिम्मत सी नहीं होती व्लॉग करने की। एक तो तुम नींद में सो के उठो, हाँ आधी नींद तोड़ के उठ रहे हो तुम, और फिर क्या कहते हैं अभी एक घंटे पहले सोया था लिटरली मैं, और अब 4:30 हो रहे हैं, 4 बजे उठ गया था। और मैं सहरी में ना भाई लोग सोचते हैं पेट भर लो, ये कर लो कर लो, मेरा मन करता है कि अच्छा अच्छा खा लो। जैसे मैंने अभी फ्रूट चाट खाया एंड राइट नाउ आई एम हैविंग दिस बेजल सीड्स ड्रिंक। क्या बेजल सीड्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जा, सब्जा के सीड्स, और एक और नाम है इसका तुकमलंगा। तो ये यार ये क्या हेल्प करता है, ये ना बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। लाइक एक तो मैं पानी नहीं पीता, बहुत कम पानी पीता हूँ, और रोज़ों में तो पानी पिया ही नहीं जाता। लाइक मैंने अभी तक मुश्किल से एक दिन में एक ग्लास पिया जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सहरी में पी लेता हूँ। बस यही सहरी का रूटीन है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाता, फ्रूट चाट खा लिया और अभी पी लूँगा बस, दैट्स इट। और भाई लोग भाई क्या क्या खाते हैं, लिटरली मैंने लोगों की सहरी देख रखी है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोटी सब्जी चावल ये सब खा ले। मैन्यू मेरा मन करता है जितना हल्का हो सकता उतना खाऊं, बल्कि कुछ कई सारी तो खाली मैंने पपाया खा के रखी है। खैर अभी अपना इसको पी लेता वरना टाइम हो जाएगा, क्योंकि 4:50 पे सहरी का टाइम खत्म हो जाता है। तो इसको पी लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं। चले भाई ठीक हो आप, सब बढ़िया, क्या है घर जा रहा है? हाँ तो चलो ना घर जा अपने, चलो भाई तो चलता रहूं, चलो तो घर जा रहा हूं। हाँ हाँ मैं भी घर ही चल रहा हूँ, चलो चलो तुम्हारे घर ही जाके लेट जाऊंगा, लेट नहीं तो है। शाम को खाने में क्या बनवाओगे? पहले बता रहा हूँ देख, रोटी सब्जी बंद है, फ्रूट चाट खाऊंगा। मीठे में देख लियो छोड़ दो या चाहे मेरे घर छोड़ दो, कहीं तो छोड़ो
क्या समस्या है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ कि मुझे ये दिक्कत है भाई। स्कूटी गिर जाएगी, स्कूटी गिर जाएगी तो चलो ना। मैं तो कैमरा क्यों बंद करवा रही हूँ यार। हिंसा अहिंसा, अहिंसा के खिलाफ हूँ मैं। हिंसा कर रहे हो यहाँ? अहिंसा के खिलाफ है ना? हाँ, तो इसीलिए तो कर रहा हूँ। अरे हिंसा कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो तू तो अहिंसा के खिलाफ है। मैं तो हिंसा के भी खिलाफ हूँ। गलत, चलो यार अपने घर लेके चल रहे हो, मेरे घर लेके चल रहे हो। पहले तारू खाने में फ्रूट चाट खाऊंगा, कुछ पीने में ड्रिंक, और डेजर्ट में चाहिए रबड़ी जलेबी या रसमलाई से भी कर काम चल जाएगा। तुम बताओ ठीक है? ऐसा महसूस हुआ, मेन्यू बता दिया मैंने आपको। अरे यार भाई यार इतने मैंने मारे नहीं थे जितने तुम बट रामे कर रहे हो। चलो मारा भी तो, एक भी नहीं मारे, तीन मार दिए। तो फिर शाम को रबड़ी जलेबी? एक भी लगा भी तक, एक भी एक होगा, एक जिसमें तू सीख रहे हो सी एक है। अब यहाँ से चुप लेके चल भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, रुक जाओ। इट्स द नेक्स्ट डे गाइस, मैं बाहर गया था, आप लोगों ने देखा मैंने ज़्यादा बाहर कुछ ब्लॉग फिल्म करा, क्योंकि यार मेरा ऐसा मन नहीं कर रहा था दिन में बाहर जाके ब्लॉग शूट करने, क्योंकि इतना वीकेंड चल रहा था, वीकेंड पर मुझे भी तो भाई वीकेंड छुट्टी मुझे भी तो चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए बाहर मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं करा। और अभी घर आ चुका हूँ मैं, और इफ्तारी का टाइम हो रहा है, दिखाते हैं आज इफ्तारी में क्या क्या बना है। आज इफ्तार में है फ्रूट चाट, देन वी हैव कैरेमल कस्टर्ड जो हमने कल भी बनाया था और आज बनाया, कल भी बहुत पसंद आया सबको इसलिए आज भी बनाया। देन वी हैव खजूर, देन वी हैव मैक्रोनी, एंड देन वी हैव आलू की पकौड़ी, फ्राइज एंड ब्रेड पकौड़े। तो ये सब है आज की इफ्तारी में। इफ्तार वगैरह हो चुका था, इफ्तार करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर गया था, और अभी आ चुका हूँ मैं घर। थोड़ी देर के लिए आया था सीरियसली, अब मैं 7 बजे गया था, और देखो अभी 8 something हो रहे हैं और मैं घर पे आ चुका हूँ, जल्दी आ गया। और अभी मैं कर रहा हूँ डिनर, और आज डिनर में मेरी फेवरेट सब्जी, सब्जी क्या कह रहा हूँ, आज डिनर में मेरी फेवरेट सब्जी शायद आप में से बहुत सारे लोगों की हो, तो दिखाते हैं आज डिनर में क्या क्या है। बहुत टाइम बाद मैं इसे दिखा रहा हूँ। आज डिनर में है कढ़ाई पनीर, देन वी हैव ब्रेड पकौड़ा, देन वी हैव दही, देन वी हैव मिंट एंड अनियंस एंड चपाती। वैसे तो इसके बाद मुझे डेजर्ट भी खाना है, जो कि है कैरेमल कस्टर्ड, जिससे खा के मेरा मन भर ही रहा, और मैक्रोनी भी है, फ्रूट चाट भी रखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें रखी है, मुझे सब कुछ खाना है। सबसे पहले लेकिन डिनर कर लेता, उसके बाद ये छूटर मुटर तो बाद में भी खाते रहेंगे, तो डिनर कर लेता और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने डिनर वगैरह कर लिया, उसके बाद भाई मैंने फ्रूट चाट वगैरह भी खा लिया, जिस मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करती है, और अभी मेरे बाल लिए जो आपको चंपू वाले लग रहे हैं, क्योंकि जस्ट मैंने भी ऑयलिंग करी है यार, लंबे बाल रखते हो उसके बाद उनकी केयर भी करनी पड़ती है। उसके बाद अभी मैं कर रहा था एक वाशा, थोड़ा सा भाई ये रमजान में इतना उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो भाई इसके बाद केयर भी करनी होती है। राइट नाउ आई एम हैविंग माय बेजल रोज ड्रिंक, और यार मैंने ऑयलिंग वगैरह सब कर ली है, और अभी इसको पी लेते हैं, और इसके बाद शायद मैं ब्लॉग करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि यार इसे पी के मुझे नींद आ जाएगी इसीलिए। सो यार गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।